हेलो एवरीवन, आपके सामने है वीडियो विजन का 14 इंच का सीआरटी टीवी। तो हमने ये इसका बैक कवर खोल के इसकी पीसीबी निकाल ली है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसके जैक जो है खोल लेते हैं। हम पीसीबी बोर्ड को उल्टा घुमा लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसको उल्टा कर लिया है। और उसके बाद हम सभी जो इसके ट्रैक हैं उसमें नज़र दौड़ाते हैं कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं लूज़ कंपोनेंट तो कहीं कोई पार्ट जला हुआ तो नहीं है। मैंने इस पीसीबी सर्किट में बार बार फ्यूज डाला तो फ्यूज ओपन हो जाता है, इसलिए मैंने ये 100 वाट का बल्ब लिया। तो फ्यूज के एक तरफ मैंने एक वायर लगा दी और दूसरी तरफ दूसरी वायर लगा दी। ऐसा करने से ये जो पीसीबी बोर्ड है इसमें ये सीरीज का काम करेगी। ये जो बल्ब है 100 वाट का, हमारी सीरीज बन के तैयार हो जाएगी। मैं 100 वाट के बल्ब को साइड में रखता हूँ और एसी वायर प्लग इन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है फुल ग्लो करने लगा है, यानी कि ये फुल रोशनी देने लगा। तो इसमें फुल शॉर्ट सर्किट है, पीसीबी बोर्ड में फुल शॉर्ट सर्किट है। तो चलिए हम इसकी जो एसी वायर है वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस फॉल्ट में सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा है तो उसके डायोड जो है वो चेक कर लेंगे कौन सा डायोड इसमें शॉर्ट है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। उसके बाद हम डायोड चेक करेंगे। तो चलिए पहला डायोड चेक करेंगे, ये डायोड ओके है। इससे अगला डायोड चेक करेंगे तो ये देखिए, ये जो डायोड है शॉर्ट बता रहा है। कभी भी एक डायोड इसमें शॉर्ट नहीं होता है, तो इससे अगला डायोड भी शायद शॉर्ट हो सकता है। जी हाँ, ये डायोड शॉर्ट है। तो इन दोनों डायोड को हम निकाल के बाहर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम नए डायोड इसमें डाल देंगे। तो साथ साथ में हम बीयू भी चेक कर लेते हैं। तो ये बीयू जो है पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, ये भी शॉर्ट है। तो इसको हम बाहर निकाल के इसमें भी नया पावर रेगुलेटर डाल देंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है C3807, इसे हम चेक कर लेंगे। तो इसमें भी बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये भी फुल शॉर्ट है। ये जो ट्रांजिस्टर है तो इसको हम बाहर निकाल के इसमें C3807 ट्रांजिस्टर डाल देंगे। SMPS की जो प्राइमरी सेक्शन है उसके हम सभी कंपोनेंट चेक कर लेंगे बारी बारी से कि कोई कंपोनेंट ओपन ना हो और ना ही शॉर्ट हो। हम ये जो डायोड है बाहर निकाल के चेक कर लेंगे। तो निकालते हैं डायोड को। ये दोनों ही डायोड हमने पीसीबी बोर्ड से निकाल लिए हैं, तो उसकी जगह पे हम नया डायोड डाल देंगे। ये दोनों डायोड बिल्कुल शॉर्ट थे, इनकी जगह पे हम नया डायोड डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये दोनों डायोड शॉर्ट है कि नहीं। हमने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के ये डायोड चेक कर लिए हैं। तो ये एक डायोड ख़राब है, अब दूसरा भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये दूसरा डायोड भी शॉर्ट है, तो उसकी जगह पर हम सेम डायोड डाल देंगे। तो मैं पीसीबी बोर्ड में दोनों डायोड डाल के आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डायोड भी डाल लिए हैं और ये जो पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है भी डाल लिया और C3807 भी डाल लिया है। उसके बाद हमने पावर ऑन कर दी है। मैंने पावर ऑन कर ली है तो देखिए बल्ब बिल्कुल ग्लो होके डिम हो जाएगा। तो यहाँ 110 वोल्टेज की जो जंपर वायर है वो मैंने निकाल ली है, ये सामने देखिए। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल व्यू जो है ये भी चेक किया, लेकिन ये भी शॉर्ट है। और उसके बाद मैंने 24 वोल्टेज का जो डायोड है वो चेक किया, ये भी शॉर्ट बता रहे हैं। तो चलो मैं सबसे पहले आपको सप्लाइयाँ चेक करा देता हूँ। इस डायोड को निकाल के हम नया डायोड डाल देंगे।
ये 24 वोल्टेज का है। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई चेक कराते हैं। मीटर को हमने 200 वोल्टेज की रेंज में सेट कर लिया है। सबसे पहले हमारी सप्लाई है 110 वोल्टेज, ये ओके है। और उसके बाद मैं आपको अगली सप्लाई चेक करा देता हूँ, 175 की सप्लाई, ये भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद 24 वोल्टेज, ये देखिए यहाँ 24 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जो डायोड है शॉर्ट है और मैंने डायोड की सोल्डिंग भी निकाल ली है। और 16 वोल्टेज की सप्लाई भी बिल्कुल ओके है। ये हम एसी वायर निकाल के आपको मैं डायोड और ये जो व्यू लगा है हॉरिजॉन्टल व्यू, इसे निकाल के मैं आपको चेक कर देता हूँ। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। हमने मल्टीमीटर सेट कर लिया है। उसके बाद मैं डायोड आपको चेक कराता हूँ। ये 24 वोल्टेज की सप्लाई होती है जो वर्टिकल सेक्शन को जाती है, ये देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। और ये रहा हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर, ये देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, ये भी हाफ शॉर्ट है। तो हम इसको निकाल के नया डाल देंगे, ये जो व्यू है हॉरिजॉन्टल व्यू, और ये डायोड भी निकाल के हम नया डायोड डाल लेंगे। तो चलिए डायोड और व्यू डाल के आपको मैं बताता हूँ। हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर भी डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये डायोड जो है नया डाल लिया है और सप्लाई ओके हो गई है। तो यहाँ जो प्राइमरी सेक्शन में और सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट था तो हमने ओके कर लिया है। तो ये जो जंपर वायर से हम सोल्डिंग कर देंगे, फिर मैं उसके बाद आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ फिर से दोबारा। मैंने सीरीज बल्बों को निकाल के सीधी एसी सप्लाई दे दी है। तो मैं आपको सप्लाई चेक करा देता हूँ। तो मीटर को मैंने 200 की रेंज पे सेट कर लिया है। ये होगी 110 की सप्लाई और ये होगी 175 की सप्लाई और आगे 24 की सप्लाई, ये भी ओके है। उसके बाद अगली सप्लाई चेक करते हैं। देखो 10 वोल्ट की सप्लाई भी ओके हो गई है और 16 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल ओके है। तो हमारा जो टीवी है ऑन हो गया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अब फ्रंट की ओर। तो चलिए चलते हैं फ्रंट की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टीवी है ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।